बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये था सुबह का वक्त और मलाई इकट्ठा हो गई थी काफ़ी दिन की, तो मैंने आज घी बनाया था और मैं इसी तरीके से घी बना लेती हूँ। और आज आपसे मैं शेयर करूँगी मटन मसूर पुलाव की रेसिपी। चलिए जी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। और इसके लिए मैंने बासमती के राइस लिए थे, आप चाहो वो राइस ले सकते हो। और मैंने मसूर लिए थे एक कप के नाप से, और उसको आधे घंटे पहले भिगा दिया था, और राइस को भी मैंने भिगा दिया था अच्छे से वॉश करके। अच्छा जी, एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, आप चाहो तो नॉर्मल ऑयल से भी बना सकते हो। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने ऑयल ले लिया था, और 1 छोटे चम्मच के नाप से मैंने घी डाला था। घी का जायका पुलाव में बहुत बेहतर आता है। और उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, तो 3 तेज़पत्ता, साजीरा 1 टीस्पून के करीब, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्च, और साबुत जीरा मैंने लिया था 1 टीस्पून के करीब। और एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब प्याज हल्के से गोल्डन हो जाएगी ना, वहाँ तक मैं इसको पका लूँगी। और जैसे ही प्याज हल्की सी गोल्डन होने लगी थी ना, तो मैंने इसमें मटन को डाला था। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब मटन लिया है और इसको बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने में मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी और सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। मैंने हल्दी को मटन बॉईल करने में ही ऐड किया था, पुलाव में मैं बिल्कुल हल्दी नहीं डालूँगी, नहीं तो उसका कलर बहुत अलग से हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने मटन को बॉईल करने में ही हल्दी डाल दी। यहाँ पे मैंने मटन डाल दिया था, उसके बाद मैंने डाला था 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर डाला था 1 चम्मच के नाप से, और कुटी हुई हरी मिर्च डाली थी 2 चम्मच। इसके बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, और पिसा हुआ धनिया डालूँगी मैं 2 चम्मच के करीब, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। अब ये सारी चीज़ों की अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने जो मसूर को भिगा के रखे थे ना, अखे वाले मसूर, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मसूर डालने के बाद मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करने के बाद, इसमें मैं जो मटन का बॉईल किया हुआ पानी था वो, और 1.5 गिलास के करीब और पानी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि मसूर अच्छे से बॉयल हो जाए और अच्छे से पक जाए वो। इसके बाद मैं ढक के इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और 10 मिनट हो गए थे, मैंने चेक कर लिया था, मसूर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए थे। और जो मैंने बासमती के राइस लिए थे ना 3 कप के नाप से, जिसको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगा दिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी भी डाल दूंगी, और इसको अच्छे से चला लूंगी मैं। उसके बाद ढक के इसको 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि वो मीडियम आंच पे ही अच्छे से खिले खिले से चावल पक जाए। पंद्रह मिनट हो गए थे, मैंने चेक कर लिया था माशाल्लाह से, और इतने चेक खिले खिले चावल हो गए थे, तो मैंने इसमें दही डाली थी, ये 2 चम्मच के नाप से दही है, ये मेरी होममेड दही थी, मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब दही डालने के बाद मैं इसको 102 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगी ना, तो अच्छी तरीके से चावलों में पक जाए और इसका दम भी आ जाए अच्छे से। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के ऐसे ही मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी। दस मिनट बाद मैंने इसको चेक कर लिया था माशाल्लाह से, ये अच्छे से दम पे आ गए थे। अब मैं इसे डिसआउट कर दूंगी, और खिले खिले से पक गए थे।
और इसके साथ मैंने दही वाला प्याज का कचुंबर भी बनाया था जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा से बिरस्ता डाल दिया था और कचुंबर में और पुलाव में मैं ऊपर से थोड़े से धनिए के पत्ते भी चॉप करके डाल दूँगी। धनिए के पत्ते ऊपर से डालते हैं ना तो बड़े मज़े का लगता है। अच्छा जी, आपको आज का मेरा ये वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जी। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना आपको तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।